हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एक दूसरे फार्मूले से करेंगे, विच इज कॉल्ड न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो वी नो दैट न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला इज एफ एक्स इजक्वस टू, यहां पर एफ एक्स इजक्वस टू होगा एफ एक्स एन प्लस यू एच। वहां पर था एफ एक्स जीरो स्टार्टिंग में वाला प्लस यू एच, या ये है तो ये इक्वल टू होता है, आप जानते हो एफ एक्स एन प्लस बैकवर्ड डिफरेंस ऑन एफ एक्स एन प्लस u इंटू यू प्लस वन, माइनस वन नहीं प्लस वन, अपॉन फैक्टोरियल टू डेल टू बैकवर्ड डिफरेंस, सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑन एफ एक्स एन और प्लस, आप इसी तरह से इसको आगे कर सकते हैं, u इंटू यू प्लस वन u प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल थ्री एफ एक्स एन एंड सो ऑन, वेयर एक्स इज इक्वल टू है आपका एक्स एन एक्स एन माइनस एक्स जीरो, नहीं एक्स एन माइनस एक्स, नो 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 नो, इट इज यू इक्वल्स टू x माइनस एक्स एन अपॉन एच, ये फॉर्मूला। वहां पर u इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एच था, यहां पर u इक्वल टू एक्स माइनस एक्स एन मीन्स लास्ट आर्गुमेंट देंगे। अगेन वही डिफरेंशियल करना है आपको पहले फॉर्मूले को, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये लेफ्ट हैंड साइड में डेस एक्स हो जाएगा, यहां राइट साइड में आप u देख रहे हो तो वही होगा कि d बाय डी यू ऑफ एफ एक्स और लास्ट में इंटू डी यू बाय डी यू बाय डी एक्स कर देंगे आप, तो ये वन अपॉन एच आ जाएगा। तो यहां पर वन अपॉन एच और ये जीरो आएगा आंसर यहां से, और ये स्टार्ट हो जाएगा यू डेल यू लिखना पड़ेगा मुझे यहां पर। तो जब विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशियल करेंगे तो वन अपॉन एच, ये यू का वन हो जाएगा, बैकवर्ड डिफरेंस एफ एक्स एन प्लस यू स्क्वायर प्लस यू का डिफरेंशियल वही टू यू प्लस वन, माइनस वन की जगह प्लस आ जाएगा, टू यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल टू एफ एक्स एन प्लस, जब इसका आप करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री यू क्यूब का थ्री यू स्क्वायर प्लस सिक्स यू प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री का मतलब सिक्स रख सकते हैं फैक्टोरियल सिक्स, और डेल थ्री एफ एक्स एन। और अगर नेक्स्ट टर्म भी चाह रहे हैं नोट करना आप तो नोट कर सकते हैं, वो हो जाएगा टू यू क्यूब प्लस नाइन यू स्क्वायर प्लस इलेवन यू प्लस थ्री ओवर, वैसे तो फैक्टोरियल फोर ट्वेंटी फोर आता पर टू आपका कॉमन आकर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ट्वेल्व
ये आप याद रखने के लिए अब मैंने ये टर्म आपको लिख दिया है, अफेक्शन एंड सो ऑन। अब अगर आप टेबल में जो वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू कोई टेबल, इफ x इज इक्वल टू मान लीजिए एक्स एन माइनस वन, क्योंकि बैकवर्ड फॉर्मूले में वही वैल्यू ज्यादा सुटेबल आंसर देंगी जो लास्ट में हो, लास्ट एंड में हो, शुरुआत में होंगी तो फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज होगा, बेटर रहेगा, और एंड में हो तो बैकवर्ड फॉर्मूला बेटर रहेगा। तो x इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन या एक्स एन माइनस टू, तो ये सब हो, ये u उस केस में आपका जीरो हो जाएगा इफ x इज एनी आर्गुमेंट इन द एंड साइड ऑफ डेटा, देन u इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं u इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो यहां पर 1/2, 1/3 और फिर 1/4, तो ये आप जो फार्मूला वहां पर था ये नेक्स्ट पेज पे हम देख सकते हैं। तो इफ u इज इक्वल टू जीरो तो f डैश x बन जाएगा 1/h, 1/h डेल एफेक्शन प्लस 1/2 डेल बैकवर्ड डिफरेंस डेल टू एफेक्शन प्लस 1/3, ये सारे प्लस आ रहे हैं, वहां पर फॉरवर्ड में प्लस माइनस था, चेक कर लेना, डेल 3 एफेक्शन और प्लस 1/4 डेल 4 एफेक्शन, ये आप यूज इक्वल टू जीरो पर। तो ये बैकवर्ड फॉर्मूला वहीं सुटेबल रहेगा जहां आपकी एंड वैल्यू पर कोई डेरिवेटिव निकालना हो, एंड वैल्यू पर। तो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसमें, क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टेबल गिव द वैल्यूज ऑफ फंक्शन ऑफ इक्वल इंटरवल, फाइंड एफ डैश 1.5। तो क्वेश्चन है कि एक्स और एफ एक्स आपको मालूम है, तो ये आप एक्स है 0.00, ये है 3989.3989, देन 0.5 पर आपका है 0.3521 और देन 1.00 2420 2420 1.5 0.1295 0.1295 और दिस इज 2, ये 0.0540 0.0540। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड एफ डैश इज इक्वल टू 1.5। तो देख सकते हैं आप ये एंड साइड है, वह इस पर निकालना है। तो जब भी आपको किसी गिवन वैल्यू पर डिफरेंस निकालना हो तो आप समझ लीजिए यू की वैल्यू जीरो होगी, चाहे इस पर निकालना होता, इस पर, इस पर, इस पर, तो यू की वैल्यू जीरो होगी। इसके लिए आप डिफरेंस टेबल तो बनाएंगे ही जैसे बनाते हैं, बट ये कौन सी वैल्यू यूज होंगी ये टेबल बनाने के बाद ही आप फाइनल कर सकते हैं। मैं ये टेबल आपको नेक्स्ट पेज पर बनाऊंगा ताकि उसका हम वहीं पर यूज भी कर लें। तो ये नेक्स्ट पेज पर ये एक्स, एक्स का कॉलम हो गया जी, ये एफ एक्स वाला कॉलम हो गया जी, और फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस, फिर सेकंड, और फिर उसके बाद ऐसे ही आप करते जाएं, थर्ड एफ एक्स और फोर्थ एफ एक्स।
ये वैल्यू आ सकते हैं। तो ये वैल्यू है 0.5, 1.0, 1.5 और 2 तक, 3989, 3.35, 21.202420 एंड लास्ट में इसके सामने तीन वैल्यू आई अभी, तो यहां पर आएगी आपकी 1295.1295 और यहां पर 0.0540 ये वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट डिफरेंस टेबल तो आप ऐसे ही बना लें, दिस माइनस दिस करके, तो माइनस 0.0468, 0.1101, 0.1101 और ये माइनस ही आ गए अभी क्योंकि डिक्रीजिंग वैल्यू है, -0.1125, -0.0755 ये आप चेक कर सकते हैं। फिर सेकंड डिफरेंस में ये माइनस ये, तो ये अगेन -0.063633 और अगेन -0.0024 और ये फिर दिस माइनस दिस करोगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा 0.0370, दिस माइनस दिस करेंगे तो 0.0609 और यहां पर 0.0394, लास्ट में ये माइनस ये तो -0.0215 ये आ जाएगा। अब चूंकि आपको ये वैल्यू इस पर निकालनी है तो जो लास्ट से सेकंड वैल्यू है सारी सेकंड लास्ट से सेकंड ये वैल्यू सारी यूज होंगी, दैट मींस ये दिस वन और इसमें U0 होगा जी, दिस वन और दिस वन ठीक है। यहां पर X तो क्या होगा, X जो होगा वो 1.5 है और H क्या है, H है आपका 0.5 और xn लास्ट वैल्यू जिस पर निकालनी है वही xn होता है, तो xn भी आपका क्या है जी 1.5। तो u देख सकते हैं आप फार्मूले से, जो मैं फार्मूला आपको बताया है ये x माइनस xn अपॉन h, तो यहां से ये फार्मूला U = 0 हो जाएगा। तो नाउ बाय न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, वी हैव F'(x) = U0 है तो आप समझ सकते हैं फार्मूला बड़ा आसान हो जाएगा, ये = 1/H बैकवर्ड डिफरेंस FXN, यहां पर FXN आपका ये 1.5 है ध्यान दीजिए, प्लस डेल सेकंड डिफरेंस FXN/2 प्लस क्यूब FXN/3 और ये क्यूब तक ही आएगा, तो इसमें आप ये पुलिस स्टॉप आ गया, तो h की वैल्यू रख दें 1/0.5 और ये इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं
ये वैल्यू ये यूज होगी माइनस, क्योंकि ये तो एफ एक्स की वैल्यू है, यहां पर ये हो जाएगा माइनस 0.1125 प्लस या अगेन माइनस और 0.00 माइनस लगा रहा हूं माइनस 0.0024 अपॉन 2 और प्लस ये अगेन प्लस हो जाएगा 0.0609 अपॉन 3। अब ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 0.52, तो ये आ गया जी आपका माइनस पॉइंट 1125, फिर -0.0024 अपॉन 2 और प्लस 0.0609 अपॉन 3। तो ये जब सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा, सॉल्व करके ट्वाइस आ जाएगा और -0.0934 इज इक्वल टू ये आपका रहेगा -0.01868 1868। तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा एफ डैश एक्स एट दिस। तो नाउ फाइनल आंसर एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1.5 इज इक्वल टू 0.1868 और वो भी माइनस साइन के साथ। तो ये आपका इस तरह से बैकवर्ड फार्मूला यूज करेंगे, ये बड़ा इजी है। बैकवर्ड फार्मूला लिखें, उसको डिफ्रेंशिएट कर दें। 1 अपॉन h तो आप देख रहे हैं du बाई dh की वैल्यू होती है, और फॉरवर्ड फॉर्मूले में अल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन होते हैं, यहां पर बैकवर्ड में सारे प्लस होते हैं। इस तरह से आप इसको कंप्लीट बैकवर्ड वाले फार्मूला, वो तभी बेटर रहता है जब आपकी लास्ट वैल्यू के लिए कुछ, लास्ट वैल्यू पर कुछ पूछा जाए। तो यहां पर 1.5 था इसलिए लास्ट में पड़ रहा है, तो ये बैकवर्ड बेटर रहेगा और बैकवर्ड से आपके कैलकुलेट करके ये जो आंसर आया ये आपका बेटर आंसर है। तो चलिए फिर एक क्वेश्चन के साथ और मिलते हैं, फिर तब तक के लिए थैंक यू, सी यू अगेन।